बढ़ते हैं आगे। बात सीहोर की, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को धमकियां मिल रही हैं और कोई अनजान शख्स जो है उन्हें बदनाम करने और फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी उन्हें धमकी भरी गुमनाम चिट्ठी भी लिख रहा है और इसका खुलासा उस पत्र से हुआ जो सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और उसके जवाब में आया हुआ पत्र अब वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने पिछले साल दिसंबर में कथा के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा को आमंत्रित किया था, उसी वक्त की घटना हुई थी और इस घटना को नवनीत राणा ने गंभीरता से लिया। पंडित प्रदीप मिश्रा को सुरक्षा देने की अब मांग भी की जाने लगी। तो सांसद नवनीत राणा ने यह पत्र लिखा है, अमित शाह को यह पत्र लिखकर यह मांग की जा रही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो सीहोर वाले पंडित जी के नाम से भी पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं अपनी कथाओं के लिए, शिव महापुराण के लिए जाने जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अब बात करते हैं ठगी की। जी हाँ, उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में ठगी का मामला एक बार फिर सामने आया है। हैदराबाद से आए रिटायर्ड बैंक कर्मी से 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की घटना को अंजाम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि भस्म आरती दर्शन और भक्त निवास के साथ ही ओंकारेश्वर में दर्शन रुकने के लिए बुकिंग के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की ठगी की गई। हैदराबाद निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी प्रसन्न श्री शैलम को उज्जैन और ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ उनको आना था। उज्जैन में और ओंकारेश्वर में रुकने के लिए उन्होंने वेबसाइट पर जाकर होटल भी सर्च किया था। भक्त निवास अकोमोडेशन नाम के एक वेबसाइट देखी, उस पर लिखे नंबर पर पीड़ित ने फोन लगाकर बात भी की और आरोपियों ने उनसे कर दी 1 लाख रुपए की ठगी। ये कोई वैसे पहला मामला है नहीं, पहले भी इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं, जब रुकने से लेकर भस्म आरती में शामिल होने तक के मामले पर ठगी की वारदातें कर दी गई हैं। तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की ये घटना हुई है, बुकिंग के नाम पर ये धोखाधड़ी की गई है और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जांचना परखना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो जांचिए परखिए है।